बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सीजनल सब्ज़ी। हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई, जो कि रेस्टोरेंट में बनती है और बहुत ही मज़े की होती है। हम लोग सोचते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम बनाएंगे बिना क्रीम के और ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। कोई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है और एक रिच ग्रेवी के साथ में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है कि जो एक बार खाता है दोबारा डिमांड ज़रूर करता है। तो चलिए बिना देरी के इस मेथी मटर मलाई को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी का डाला है। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में और उसको लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे थोड़ी सी फ्लेवरफुल भी हो जाए और थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाए। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद में मैंने वही पैन का यूज़ किया है, बस उसको टिश्यू से थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल, 2 बड़े चम्मच डाला है मैंने ऑयल का। अभी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है और ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिया और इसको इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसके साथ ही डाल देंगे 8 से 10 काजू डालेंगे और इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ बहुत ही कम होता है, इसमें बहुत कम मसालों का यूज़ होता है। और इसको डालने के बाद में हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। सिर्फ हमें इसको इतना भूनना है कि जो प्याज के अंदर कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और टमाटर डालने के बाद में फौरन ही हम इसमें डाल देंगे नमक और इसके साथ ही डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1/2 छोटा चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लेंगे जीरा पाउडर। और इन सारे मसालों को डालने के बाद में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हमने अभी भी मीडियम टू लो के बीच में कर रखी है और इसको हमें अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको हम कवर करके रखेंगे। बेसिकली हमें इसको इतना कुक करना है कि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। और जब तक ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार होती है, जब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है पानी। पानी में थोड़ा सा बबल्स आने लगे हैं और तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे मटर। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मटर का यूज़ किया है और मटर डालने के फौरन बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी का डालेंगे, क्योंकि चीनी डालने से मटर का जो कलर होता है वो ख़राब नहीं होता है और ये ग्रीन बना रहता है। तो यहाँ पर हमें मटर को इतना बॉयल करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाने चाहिए। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब इसको हम कर देंगे बिल्कुल मीडियम टू लो के बीच में और इसको हम जो हम ग्रेवी तैयार कर रहे थे उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए आप देख रहे हैं टमाटर प्याज जितना जो भी हमने इसमें डाला था बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, एकदम मैशी सा हो गया है। और अभी इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया था, तो अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई के बीच में और इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये भुन चुकी है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करने देंगे, क्योंकि इसको गरम गरम में हम ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो अब मैंने वही वाला पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे मेथी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मेथी का यूज़ किया है। मैंने मेथी को लिया, इसके पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, फिर उसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद में इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। ऐसा करने से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको अभी हमने इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, जो थोड़ा बहुत ऑयल कढ़ाई में लगा हुआ था, पैन में लगा हुआ था, सिर्फ उसी में हम इसको सेक लेंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। लेकिन इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत सेकिए, फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में। और ये देखिए मेथी हमारी अच्छे से सिक चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब इधर मटर को चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए मटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल मैशी से हो गए हैं। तो ऐसे ही मटर हमें चाहिए थे, तो इसको अब हम छान लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद में इसको बोल में रखने के बाद में इसमें हम डाल देंगे एकदम से ठंडा पानी डालेंगे, जिसके इसका जो कलर है, जो ग्रीन ग्रीन कलर है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो जब ठंडा पानी हम डालेंगे तो इसको जो कुकिंग प्रोसेस है वो एकदम से रुक जाएगा और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा।
और ये देखिए ग्रेवी को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा हमने पानी का यूज़ किया है क्योंकि इसकी ग्रेवी हमें एकदम से स्मूथ बनानी है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है इसका। और अब मैंने वही पैन ले लिया है और उसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच हम ऑयल के डालेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे, एक मैंने काली इलायची का यूज़ किया है जिसके मुंह मैंने खोल दिया है, और इसके साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच हम जीरे का डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को ऑयल में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब इसका फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जो अभी हमने पेस्ट बना के रखा था ना, प्याज का टमाटर का, वो सारा पेस्ट इसके अंदर हम डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी भी जो मिक्सी का जार है उसमें घुमा के हम डाल देंगे क्योंकि इसमें जो हम पेस्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है, वो पानी कच्चा था तो इसीलिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसको कवर करके भूनिए आप क्योंकि इसमें से बहुत सारी छींटें आती हैं। तो फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में और इसको हमें इतना भून लेना है कि जो इस ऑयल हमने डाला था वो सेपरेट हो जाना चाहिए। और ये देखिए आप देख रहे हैं ऑयल इसमें सेपरेट होने लगा है। तो इस स्टेज पर डाल देंगे हम जो हमने मटर को बॉईल करके रखा था ना, वो मटर डाल देंगे। और देख रहे हैं आप जो ट्रिक मैंने बताई थी उससे इसका जो कलर है वो कितना ग्रीन है, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो 2-3 मिनट के लिए इसको हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही डाल देंगे जो हमने हरे मेथी को सेक के रखा था, वो मेथी भी इसमें डाल देंगे। और मेथी डालने के बाद में भी इसको हम करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो दोबारा आपके फैमिली में इसकी डिमांड ज़रूर होने वाली है। और अब इसको कवर करके रख देंगे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, देख रहे हैं आप, सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनके हमारी तैयार है। और अब इस स्टेज पर मैंने 1 छोटा चम्मच यहाँ पर चीनी का डाला था जो कि वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है तो इसलिए मैं वो क्लिप को इसमें ऐड नहीं कर पाई। तो और यहाँ पर चीनी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा मीठा ही होता है। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने कसूरी मेथी को रोस्ट करके रखा था, उसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके हम डाल देंगे। इसके डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसके साथ ही डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर हम डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनके तैयार हो रही है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। और अब इसके जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था तो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें हम डालते रहे और इसको मिक्स करते रहे। तो उसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर 3/4 कप दूध का यूज़ किया है। और ये सब्ज़ी रखने के बाद में जब थोड़ी सी ठंडी होती है ना तो ये थिक हो जाती है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में और इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब हमें यहाँ पर इसमें एक बॉईल आने देना है और ये देखिए इसमें बॉईल आ चुका है। और अब इसमें हम डाल देंगे क्रीम क्योंकि हम बना रहे हैं मेथी मटर मलाई, तो यहाँ पर मलाई डालना तो ज़रूरी है। तो 3 बड़े चम्मच मैंने मलाई का यूज़ किया है। अगर मलाई आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। और मलाई डालने के बाद में भी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। और अब यहाँ पर मुझे इसमें थोड़ी सी मिठास कम लगी थी तो मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच चीनी का यूज़ और किया था। ये आपके ऊपर अपनी चॉइस है कि आपको इसमें कितना मीठा पसंद है। और इसको डालने के बाद में फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में और इसको कवर करके रख देंगे। इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए जिससे सारी चीज़ें इसमें आपस में मिक्स हो जाएँ। सिर्फ 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा इसमें। और इसको लिड को हटा के हम एक बार इस तरह से इसको स्टर कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है हमारी ये। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे करेंगे डिश आउट। और ये देखिए क्या मज़ेदार एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी मेथी मटर मलाई बनके तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है फ्रेंड्स ये, एकदम रिच ग्रेवी के साथ में। और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो इसको आप सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ में, पूड़ी के साथ में, पराठे के साथ में, या सादी चपाती के साथ में, सबके साथ में ये बहुत टेस्टी लगती है।
तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप और आपको और आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ में, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।